मेरे चक्के में एक प्रॉब्लम आ गया भाई, पंचर हो गया है। इज वेलकम टू श्रीनगर, नगर निगम श्री गढ़वाल उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग 38 किलोमीटर है, श्रीनगर यहाँ से 14 किलोमीटर और है। गंगा जा रही है ऐसे इधर से, और यहाँ देखो पहाड़ों में सुंदर सुंदर खूबसूरत सा घर। हर महादेव जय श्री राम। मैं हूँ रामराज, आपका बेटा, आपका भाई। बिहार से टू केदारनाथ साइकिल यात्रा का आज हमारा 21वां दिन है। और गाइज मैं देवप्रयाग से निकल चुका हूँ, और आप देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पे, बद्रीनाथ 223 किलोमीटर और श्रीनगर 33 किलोमीटर। गाइज अभी श्रीनगर यहाँ से 33 किलोमीटर है, जिसकी दूरी मुझे अभी तय करना है, और अभी मुझे जाना है 33 किलोमीटर के बाद ही रुकूँगा। और सुबह सुबह पहाड़ों में साइकिलिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन चढ़ाई रहता है ना वहाँ और अच्छा लगता है, समझ जाओ आप। क्या बोलूँ, ये मेरा दर्द है यार, जो चेहरों पे हंसी बनकर निकल रहा है। माँ माँ गाइज देखो, यहाँ यहाँ से ना गंगा जा रही है ऐसे इधर से, और यहाँ देखो पहाड़ों में सुंदर सुंदर खूबसूरत सा घर। क्या खूबसूरत जगह है यार, इधर कुछ मिले या ना मिले मेरे भाई, शांति बहुत है, एकदम शांति। इंसान शांति के लिए ना इधर उधर भागता है, और यहाँ पे शांति है। छोटा छोटा घर है पर बहुत सुंदर लग रहा है, ऊपर ऊपर तक लोग बसे हैं इधर। अभी श्रीनगर यहाँ से 30 किलोमीटर और है, मैं अभी तक 3 किलोमीटर बस चला हूँ, अभी तक मैं 3 किलोमीटर चला हूँ, और श्रीनगर यहाँ से 30 किलोमीटर और है। अभी रास्ता लगभग सिंपल टाइप का है, तो थोड़ा सही है, वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी डेंजर हो जाता है भाई। कैसे वीडियो बनाए, कैमरा हाथ में कैसे पकड़े, फ़ोन हैंडल पकड़े, ब्रेक कम है साइकिल में हमारा, सब कुछ देखना पड़ता है भाई। वीडियो तो पूरा ज़िंदगी बना लूँगा अगर ज़िंदगी रहा तो, फिलहाल सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना यार। देखो ऊपर पहाड़ किस तरह का है, ऐसे ऐसे पहाड़ गिर के नीचे आ जाते हैं भाई, वो सब छोटा छोटा रास्ते से हटाया जाता है इस तरह से। देखो कितना सिंगल रोड हो जाता है आगे छोटा टाइप का, यहाँ पे डबल गाड़ी आ जाएगा ना तो रुकना ही पड़ेगा। और मेरा तो साइकिल का दुकान भी नहीं मिला, स्पोक मेरा 4-5 टूट गया है, एक टेंशन और है भाई। महादेव बहुत परीक्षा लेते हैं यार, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये सब गाड़ी ज़्यादा इधर चलती है भाई, अभी बस चलते ही जा रहा हूँ, चलते चलते थोड़ा थक गया, सोचा ये पहाड़ी वाले जगह में ऐसे चाय मिल जाएगा, तो थोड़ा चाय पी के फिर आगे निकलेंगे, चाय पीने का मज़ा ही अलग आएगा। मुझे फिर से चढ़ाई करते जाना, क्योंकि उधर तो ढुलाव है ना उधर, और इधर चढ़ाऊँ है, इधर से चढ़ के जाएंगे धीरे धीरे, क्या करें यार। वहाँ तक जाएगा अभी सीधा, उधर चढ़ाई है। देखो पहाड़ कितना ऊंचा है यार, और यहाँ से मुझे अभी और आगे तक चलना है चढ़ाई करके ही। बस एक बात अच्छा है ना कि मौसम ठीक है, इस वजह से अच्छे से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना धूप इतना ज़्यादा हो जाता है तो चढ़ाई करने में और ज़्यादा हालत ख़राब होता है। धूप कम है ना, धूप कमा हुआ है तो ठीक है, जा रहे हैं सही सही। अभी हम लोग उतना नीचे से आए जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं, और अभी आगे और जाना है। वादियाँ हैं भाई, लेंगे यार पानी, यहाँ आ रहा है, हाँ पहाड़ों से आती है, इतना फिल्टर होके आती है भाई कि आरो भी इसके सामने कुछ होना है क्या। गाइज जगह जगह पे ना आपको रुकने के लिए इन पहाड़ों में
होटल भी मिल जाएगी, गेस्ट हाउस, एसी रूम, नॉन एसी रूम, 1500 रुपया तक में आ जाएगी। चढ़ाना पड़ेगा भाई। और एक चीज़ दिखाओ, पहाड़ी कुत्ता देखो कैसा होता है। पहाड़ी कुत्ता ये देखो, ये देखो पहाड़ी कुत्ता। अब मुझे चढ़ाना पड़ेगा, चलो वीडियो बंद करते हो भाई, बहुत चढ़ाई है क्योंकि चढ़ाइयां जब आती है चलना है, बढ़ते रहिए धीरे धीरे, सतयुग जी मिलेगा तो लीजिएगा, आइए ना आगे रोकेंगे हम। ऐसे ढाबा मिल जाएगा ये, देखो बस आ रही है, ये देखो कैसे चलता है भाई, पूरा सटा सटा के चलता है। हमें तो बैलेंस बना के रखना पड़ता है ऐसे पैर, तब जाके उतरता है धीरे धीरे। गाइस ये देख रहे हैं ना, अभी इधर जाना है मुझे श्रीनगर, अभी मुझे यहाँ से श्रीनगर जाना है और मेरे चक्के में एक प्रॉब्लम आ गया भाई, पंचर हो गया है, बैठ रहे तो पूरा दब रहा है, अब कैसे होगा महादेव। निकल पंचर हो गई है लेकिन हवा डाल के फिर भी मैं यहाँ से अभी 20 किलोमीटर श्रीनगर है, मुझे जाना पड़ेगा। 17 किलोमीटर यहाँ से अभी चलाते हुए श्रीनगर जाना पड़ेगा। गाइज सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाऊं आपको, देखो ऐसे ना पानी यहाँ पे गिरने के लिए यहाँ पे पाइप डाल दिए हैं, लेकिन ये पहाड़ों से पानी आ रहा है रेसते हुए ऊपर से, और ये हाईवे है इधर, ये मेरा कपड़ा इधर सूख रहा है, अब निकलना है मुझे, पानी पी लिए, फेस पूरा धो लिए, एकदम ठंडा ठंडा फील होगा, फिर आगे चढ़ाई है, अब यहाँ से चलते हैं। रुद्रप्रयाग 38 किलोमीटर है और कर्णप्रयाग 72 और बद्रीनाथ 200। मुझे तो अभी रुद्रप्रयाग जाना है जो यहाँ से अभी 38 किलोमीटर है। गाइज यहाँ से श्रीनगर ना 10 किलोमीटर है और रास्ते में ना यहाँ पे धूप बढ़ रही थी तो भैया ने मुझे रोक कर ये ठंडा पिलाए हैं और काफ़ी अच्छा लगा यार कि रास्ते में ऐसे कोई पूछते हैं ना, तो इतना दूर आने के बाद भी नहीं लगता है कि यार बहुत ज़्यादा दूर आ गया। और मुझे घर से निकले आज 21 दिन हो गया है और ये भैया भी जमुई से हैं, ये भैया जमुई से हैं और मैं बिहार शरीफ से हूँ। तो भाई को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और हौसला बने और ऐसी जर्नी बिहार से चलती रहे। और ये तो भैया भी दूर मत हटिए, ये भैया का भी चैनल है और आप चैनल का नाम बताइए आपका। परमोन। तो गाइस ये भैया को भी सपोर्ट कीजिए और इनका चैनल को प्लीज, अगर हमारे चैनल से हैं तो इनका चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर महादेव। ये मुझे हो गया आज 21 दिन, राम राज, हर हर महादेव, सब महादेव का कृपा है, बहुत हिम्मत चाहिए भाई, बहुत ज्यादा हिम्मत। आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से ही हूँ। अच्छा, देहरादून। बिहार वालों ने नाम रोशन कर रखा है भाई, मतलब नेपाल नहीं छोड़ा, साउथ नहीं छोड़ा, केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं छोड़ा, फर्स्ट टाइम है मेरा, बहुत पहली बार आज पहुँचाओगे घाट पर। आज पता नहीं महादेव का कहाँ तक कृपा बनता है। अरे बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू भाई, हर हर महादेव। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वो कृति नगर है और वो उधर साइड से ना हम इधर इधर होते हुए आए, रास्ते में भैया भी मिले थे, ये देखो ये भी जा रहे हैं केदारनाथ, और ये जो देख रहे हैं वो कृति नगर है और उधर से आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, और अभी मुझे आगे की चढ़ाई करनी है, चढ़ाई के बाद फिर चलाएंगे आराम से।
देखो 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 देखो, वो रास्ता है ऊपर चला जाता है। वेलकम टू श्रीनगर।